माँ, ये क्या है? बेटा, ये इस खिलौने की आंखें हैं। आंखें? या ये खिलौना देख सकता है माँ? या मेरी तरह यह भी? खिलौने देख नहीं सकते बेटा। यानी मेरी तरह? फिर मैं भी तो एक खिलौना ही हूँ ना माँ? नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। लेकिन माँ, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ? यह सवाल पूछ रहे हैं 1.5 करोड़ नेत्रहीन इंसान। विश्व का हर 5वां अंध व्यक्ति एक भारतीय है, यह एक कड़वा सच है। लेकिन उम्मीद की किरण अब भी बनी हुई है, क्योंकि 80% दृष्टिहीनों में अंधत्व का इलाज हो सकता है या अंधत्व का प्रतिबंध किया जा सकता है। सिर्फ जरूरत है उन तक पहुंचने की और उनको इसके प्रति जागरूक करने की। इसी ध्येय से प्रेरित है एक संस्था एस महात्मे मेमोरियल आई वेलफेयर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित महात्मे आई बैंक व आई हॉस्पिटल। समाज के दुर्बलतम इंसान तक नेत्र चिकित्सा के अत्याधुनिक इलाज पहुंचे और केवल निर्धन होने की वजह से कोई भी इंसान दृष्टिहीन न रहे, इस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए 25 सालों से संस्था का कार्य चल रहा है। सामाजिक, नैतिक तथा राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व निभाने की यह अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। इस अविरत कार्य का नतीजा अब तक इस अस्पताल में जिन पर इलाज किया गया, ऐसे 6.5 लाख के ऊपर रुग्ण और इससे भी कई ज्यादा हर साल नेत्र शिविरों में इलाज पाने वाले लाखों दृष्टिहीन तथा आज तक किए गए 1,40,000 ऑपरेशन। सबसे खास बात तो ये है कि इनमें से 55% ऑपरेशन बिल्कुल निशुल्क किए जाते हैं। 3 दशकों से चल रही इस अविरत निस्वार्थ सेवा के फलस्वरूप संस्था के संस्थापक एवं संचालक डॉक्टर विकास महात्मे को भारत सरकार द्वारा माननीय राष्ट्रपति प्रतिभाताई पाटिल के कर कमलों द्वारा पद्मश्री पुरस्कार देकर नवाजा गया। एक छोटे से कमरे से शुरू हुए इस सेवाव्रत में आज सर्व सुविधा युक्त 6 अस्पताल एवं पदव्युत्तर शिक्षण संस्था का रूप धारण कर लिया है। यह अस्पताल यानी अत्याधुनिक उपकरण, अद्ययावत तकनीक, संपूर्ण सुविधा, उच्च शिक्षित अनुभवी नेत्र चिकित्सक एवं सेवाभावी टीम, ऐसा अनोखा संगम है। यहाँ की खास सुविधाएं हैं आई बैंक एवं कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्र, फेको मोतीबिंदु ऑपरेशन, नेत्र शिविर, टेली मेडिसिन, चश्मे से छुटकारा पाने के लिए लैसिक लेजर शस्त्रक्रिया, सफेद कॉर्निया के लिए टैटूइंग, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु, तिरछापन, शुष्क आंखों का इलाज, ICMR के सहयोग से अनुसंधान, सर्जरी ट्रेनिंग सेंटर जहां एनिमल वेट लैब की अनोखी सुविधा उपलब्ध है। वाकई में हर नेत्र व्याधि के लिए इलाज यहां मौजूद है। इसके अलावा MBBS के पश्चात पदव्युत्तर शिक्षा जैसे कि भारत सरकार द्वारा DNB तथा CPS के DOMS जैसे पदव्युत्तर पाठ्यक्रमों को यहां मान्यता मिली है। विश्व की सर्वोच्च नेत्र विशेषज्ञ संगठना इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी द्वारा एवं भारत सरकार द्वारा यह अस्पताल सर्जरी ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर प्रमाणित किया गया है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम जैसे ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन तथा हॉस्पिटल मैनेजमेंट कोर्स यहां चलाए जाते हैं। देश विदेशों से प्रशिक्षण हेतु यहां आने वाले नेत्र विशेषज्ञों में डॉक्टर महात्मे लिखित यह किताब अत्यंत लोकप्रिय है। इन सब से हटकर एक बात है जो महात्मे अस्पताल की खास पहचान है। जी हां, गरीब एवं असहाय दृष्टिहीनों तक पहुंचकर उन्हें निशुल्क उपचार एवं ऑपरेशन की सुविधा प्रदान करना, इसके लिए तैयार है आंख वाली पंपम। सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि 4 पंपम इस कार्य में जुटी हैं। गोंदिया, गढ़चिरौली, मेड़घाट जैसे दुर्गम इलाके में यह सेवा प्रदान कर रही है। नेत्र चिकित्सा के लिए आवश्यक उपकरणों से सजी यह पंपम देहातों में
दुर्गम आदिवासी इलाकों में जाकर इलाज प्रदान करती है। ऑपरेशन के जरूरतमंद दृष्टिहीनों को अस्पताल तक लाया जाता है और उन पर निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। इन रुग्णों की यातायात, निवास, भोजन, ऑपरेशन की सामग्री तथा ऑपरेशन सब कुछ संपूर्णतः निःशुल्क दिया जाता है। सिर्फ धन के अभाव में अगर कोई व्यक्ति दृष्टिहीन रहता है तो इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात हो। हमारे जैसे दृष्टिवान तथा संवेदनशील इंसान इस संसार में होते हुए भी कुछ लोग जिंदगी भर दृष्टिहीन रह जाएं, जबकि उन्हें दृष्टि मिल सकती है। क्या यह बात तकलीफ देह नहीं है? एक पल के लिए रुककर हम अपने आप से पूछें, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? जी हाँ, क्यों नहीं। आपका आर्थिक सहयोग चाहे अल्प ही क्यों न हो, किसी दृष्टिहीन की जिंदगी में रोशनी की किरण ला सकता है। महात्मे आई बैंक व हॉस्पिटल जैसे अधिकृत ट्रस्ट को दिए जाने वाला निधि आयकर छूट के लिए तो पात्र है ही, लेकिन सबसे खूबसूरत बात तो ये है कि यह निधि हमारी जिंदगी के पश्चात भी किसी की जिंदगी में रोशनी बनकर बरकरार रहेगी। कोई तो कहेगा अपने प्रियजनों से, इस बहन ने, इस चाचा ने, इस मामा ने मुझे ये उपहार दिया जो जिंदगी भर मेरे साथ होगा। जी हाँ, रोशनी का उपहार।